आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां देने के लिए आप लोगों को आज कष्ट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। मित्रों नमस्ते। इस नए हॉल में मेरी पहली प्रेस है, इसलिए मेरी ओर से आप सबों का अभिनंदन। मित्रों राजनीति में एक बात कही जाती है कि भय और भ्रम की उम्र लंबी नहीं होती है। इन पब्लिक लाइफ फियर कंफ्यूजन एंड कंकॉक्शन डज नॉट हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ। प्रधानमंत्री जी ने इसी कार्यालय में एक बात कही थी कि लोकतंत्र में जनता भय और भ्रम का उत्तर देती है। उत्तर पूर्व में जो हमारी निर्णायक विजय हुई है, जहां तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारी और एनडीए की, और जिस तरह से वामपंथ का किला ध्वस्त हुआ है, वो भय और भ्रम को दूर करता है जनता की आवाज से। त्रिपुरा की जीत देश की राजनीतिक में एक बहुत ही दूरगामी क्रांति है। आई वुड से इट इज ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन द पॉलिटी ऑफ इंडिया। कल मैं कोचीन में था, उसके पहले दौरा करता रहता हूं बंगाल में, तो वामपंथ कहता था कि कांग्रेस जहां टकराती है बीजेपी से, कांग्रेस हारती है। आज सीधी लड़ाई जब लेफ्ट की हुई बीजेपी से, तो लेफ्ट पूरी तरह से हार गया, तो दैट लॉजिक स्टैंड्स इवेपोरेटेड। लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले चार वर्षों से भय भ्रम की राजनीति की चली जा रही है। इट इज कंडेमनेबल दैट राइट फ्रॉम द डे आवर गवर्नमेंट हैज कम टू पावर, द पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन, द पॉलिटिक्स ऑफ फियर एंड द पॉलिटिक्स ऑफ कंकॉक्शन इज द बेसिस ऑफ कांग्रेस कैंपेन अगेंस्ट अस। वो बार बार हारते हैं फिर भी समझते नहीं। आज हम देश आपके माध्यम से देश के सामने कांग्रेस के इस भय और भ्रम को बताने जा रहे हैं, कैसे कांग्रेस ने बार बार देश को भ्रमित करने की कोशिश की। आजकल वो एनपीए पर बहुत सवाल करते हैं, बात हम एनपीए से ही शुरू करते हैं। हमने बार बार कहा है कि हमारी सरकार में दिया गया एक लोन एनपीए नहीं है। अब चार साल होने जा रहे हैं। आपको हम दो आंकड़े देना चाहते हैं। 2008 में द टोटल एडवांस गिवन बाय द बैंक्स वाज 18.6 लाख करोड़। देश के बैंकों ने जो एडवांस दिए थे लोगों को, ये 18.6 लाख करोड़ था। Obviously. नहीं, इट विल बी ऑल द बैंक्स। और यूपीए शासन के 6 साल में, इसको नोट करिए, मार्च 2014 में यह बढ़कर 52.15 लाख करोड़ हो गया। नाउ रिपीटिंग इन हिंदी, In 2008, the total advance given by the banks was 18.06 lakh crores. And in the 6-year government of the UPA subsequently thereafter, in March 2014, it was 52.15 lakh crores. But what is important is, aur ye aap samajhiye, कि मार्च 2014 में
स्ट्रेस्ड एसेट के रूप में जो आइडेंटिफाई किया गया था वो सिर्फ 36% था. आउट ऑफ दीज एडवांसेस विच वर आइडेंटिफाइड एज स्ट्रेस्ड एसेट्स वॉज ओनली 36%. आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था कि मैं एनपीए को पूरा समझूंगा और देश को बताऊंगा कि एनपीए में क्या क्या घोटाले हुए हैं. नाउ द स्ट्रेस एसेट्स हैज रिजन टू 82%. आउट ऑफ द एडवांसेस मेड टू द यूपीए गवर्नमेंट. इसका मतलब यह हुआ कि कई बार बैंकों के रिकॉर्ड्स में सही चीजें नहीं आने दी गई यूपीए की सरकार में. यह हमारा कहना आपसे. एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे और एक सुपर अर्थशास्त्री उनके वित्त मंत्री थे. कांग्रेस की सच्चाई यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी एनपीए नहीं होता जो 4 साल में लोन दिया गया, और यूपीए की सरकार में एडवांसेस बढ़े, रिकॉर्ड्स पर रिफ्लेक्ट नहीं हुए और 36% का स्ट्रेस्ड एसेट सही में 82% निकला. कौन सी बात कांग्रेस करती है? हमसे सवाल पूछती है कांग्रेस? क्या मतलब है इसका? देश के पूरे अर्थतंत्र को तार तार किया कांग्रेस पार्टी ने. द बीजेपी वुड लाइक टू से विथ फुल सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट अंडर ए सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह द इंटायर बैंकिंग सिस्टम was completely sought to be derailed because of interventions, because of patronage, and because of pressure. Hastachep, dabao, aur pralobhan ke karan pure banking system ko tar tar kiya gaya. Aur ye Congress party humse sawal puch rahi hai. Unke samay ke ek bahut hi guni vitt mantri hain. पता नहीं उन्होंने हिंदी कितनी सीखी है. देश की राजनीति बहुत दिनों से है लेकिन एक जुमला शब्द आजकल बहुत प्रयोग कर रहे हैं. आज मुझे एक उनसे सवाल पूछना है. आपको मालूम है कि 80-20 एक स्कीम आई थी. यह कब आई थी? अगस्त 2013 में. समाप्त कब हुई? नवंबर 2014 में. प्लीज रिमेंबर द डेट्स. 80-20 स्कीम वॉज ब्रॉट इन अगस्त 2013 एंड वॉज रिपील्ड फ्यू मंथ्स आफ्टर वी केम टू पावर बिकॉज वी रियलाइज इट्स डेंजरस पोटेंशियल्स. ये स्कीम क्या थी? आपको याद है कि यूपीए सरकार में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत गंभीर हो गया था. तो करंट अकाउंट डेफिसिट में लोगों को गोल्ड को इंपोर्ट करने का अवसर कम मिले ताकि फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव हो, इसलिए सिर्फ एमएमटीसी और पीएसयू को ही गोल्ड को इंपोर्ट करने का राइट मिला था. आपको पता है उसमें बदल कर कहा गया कि नहीं, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसका बेनिफिट लेंगी. और वो क्या था कि आप बाहर से सोना लाइए, उसको ज्वेलरी बनाकर के एक्सपोर्ट करिए. और ऐसा पाया गया कि ज्वेलरी नाम पर सिर्फ बड़े बड़े सोने के चूड़ियां बनती थी और बाहर चला जाया करता था. आप समझते हैं क्या होता था? राउंड ट्रिपिंग होता था. अब देश के उस समय के बड़े विद्वान वित्त मंत्री जो संविधान के मर्मज्ञ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो भारत की संवैधानिक मर्यादा को जानते होंगे, कि जब चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं गवर्नमेंट बिकम्स लेम डक. आपको पता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाता है कि आप कोई नीतिगत फैसले नहीं करेंगे. 16 मई 2014 को रिजल्ट निकलने के दिन उन्होंने 80-20 का बेनिफिट देते हुए 7 प्राइवेट कंपनियों को भी अपना आशीर्वाद दिया.
क्योंकि मालूम है कि केस बाय केस पर वो आता है सरकार के सामने, उसका निर्णय होता है। जो वरिष्ठ अर्थशास्त्र को फॉलो करते होंगे, पत्रकार इस बात को समझते होंगे। और उन सात कंपनियों में गीतांजलि नाम की एक कंपनी थी और स्टार ज्वेलर्स नाम की भी एक कंपनी थी। क्या मतलब है इसका? 16 मई को मनमोहन सरकार हार रही है, चिदंबरम जी की कुर्सी खतरे में है। उसके पहले देशभर में कई एग्जिट पोल भी आ चुके थे कि क्या रिजल्ट होने वाला है, देश का माहौल सामने था। मिस्टर चिदंबरम बताएं और राहुल गांधी बताएं कि 16 मई को यह आदेश 80-20 के तहत सात प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट करने के लिए क्यों पास किए गए। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, देश जानना चाहता है। मिस्टर चिदंबरम, यह जुमला है या भ्रष्टाचार, यह आप बताइए। हम चाहते हैं देश के सामने चिदंबरम की सही तस्वीर आए, और ये चिदंबरम स्वयं नहीं कर रहे थे, सीधा आशीर्वाद था। क्योंकि मैं इसको एनपीएस के दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, न काम करो, न लोन के पैसे पर कोई उद्योग बनाओ, बस पैसे का दुरुपयोग करो, रियल एस्टेट लो, बाहर जाओ, इसलिए एनपीए इतना हुआ था। और उसी की कड़ी में बेशर्मी की पराकाष्ठा यह है कि 16 मई को आप आदेश जारी कर रहे हैं जिसको आरबीआई क्लियर करता है 21 मई को। और आपको पता है 26 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोट लिया था, हम लोग सभी ने लिया था, और 3 महीने बाद नवंबर में हम लोगों ने 80-20 को स्क्रैप कर दिया। सच्चाई मालूम है। मिस्टर चिदंबरम, प्लीज रिप्लाई, इज जुमला और पेटेंट फेवरेटिज्म, मैलाफाइडिक कंडक्ट एंड रैम्पेंट करप्शन, हम ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जवाब दे, वो कौन लोग थे जो गीतांजलि और उनके कंपनी के 80-20 के बेनिफिट्स के लिए लॉबिंग कर रहे थे, और लॉबिंग का कट क्या था, ये भी हम जानना चाहेंगे। हमारे खिलाफ भ्रम फैलाया जाता है, हमारे खिलाफ भय फैलाया जाता है। तो मित्रों, आज हमने ये दो बातें आपको साफ साफ कही हैं, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, और देखिए एक बात आप और जानने की कोशिश करिए, मैं इस विषय को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से चर्चा हो। मनमोहन सिंह को मालूम था, देश को मालूम था कि 14 में चुनाव है, और 11, 12, 9, 10 से सारे जो स्कैम थे वो सामने आ चुके थे, आपको मालूम है। इसके बाद इतना अधिक एनपीए बढ़ना, मतलब नो लेसन वॉज लर्न्ड। मैं कहना चाह रहा हूं, इस बात को समझिए कि 36% से 82% स्ट्रेस्ड एसेट हो गया बैंकों के एनपीएस का, कोई सबक नहीं सीखा गया। और उनको मालूम था कि उनके जाने का समय आ गया है, इसलिए अपने लोग बैठे हैं, बहती गंगा में हाथ धोते जाओ, सरकार का पैसा है, बैंक का पैसा है। यह है कांग्रेस का इतिहास। राहुल गांधी, इस बात का जवाब दीजिएगा, हमसे बहुत पूछते हैं ना आजकल ट्वीट पर, तो आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सोनिया गांधी तो कम बोलती हैं, अध्यक्ष आप ही हैं, जब आप इटली से आएंगे तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं कांग्रेस के कुछ और भ्रम फैलाने के उदाहरण को आपको बताना चाहता हूं, और आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के सामने बात जानी चाहिए। कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था ना कि मोदी सरकार 13 डिजिट का मोबाइल नंबर ला रही है, आपको याद होगा, व्हाट्सएप से बहुत चला था। अब ये इतना बड़ा झूठ साबित हुआ कि वो मशीन टू मशीन के लिए एक स्पेशल नंबर दिया गया था, और हल्ला किया गया कि जनता को हम तंग कर रहे हैं, और ये सब कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ये सब ट्वीट और व्हाट्सएप हुए थे। मैं फालतू की बात नहीं कह रहा,
वैसे कांग्रेस पार्टी टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार नहीं करती, आपको मालूम है ना। आधार मेरे अंदर में आता आईटी मंत्री के रूप में। हमने 30 करोड़ का बैंक अकाउंट खोला, आधार से जोड़ा, मोबाइल से जोड़ा, और हमने 57,000 करोड़ रुपए बचाए हैं जो बिचौलिए खा जाया करते थे वेलफेयर बजट में। आपको मालूम है, चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, मनरेगा पेमेंट, गैस सब्सिडी, राशन सब्सिडी। और ये आधार लाई कांग्रेस पार्टी। आज आधार का सबसे विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, और मुझे बहुत पीड़ा से बोलना पड़ता है, सवाल मेरे पेशे का भी है कि इनके नेता, बड़े बड़े वकील संसद के अंदर आधार के खिलाफ बोलते हैं और कोर्ट में आधार के खिलाफ बहस भी करते हैं। दोनों चल रहा है। तो मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी को टेक्नोलॉजी से परेशानी होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है। देखिए, आपको दो उदाहरण और दूंगा, ये आज मैं उनके सारे झूठ को हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। पत्रकारों को मालूम होगा कि एक फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल है, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, ये भी चर्चा में भी शुरू है, कोई पास नहीं हुआ। उन्होंने हल्ला कर दिया कि मोदी जी की सरकार के सारे पैसे लेने जा रही है, याद होगा, वहां से भी व्हाट्सएप शुरू हुआ। दिस बिल इज स्टिल इन द वेरी एलिमेंट्री प्रोसेस, अभी इसका ढांचा भी नहीं बना है। उन्होंने कहा हमने पास कर दिया, फिर उन्होंने क्या हल्ला किया कि सारे बैंक के डिपॉजिटर से मोदी जी की सरकार कन्वीनियंस चार्ज देने जा रही है, आपको याद होगा, ये भी उन्होंने हल्ला किया था कि कन्वीनियंस फी चार्ज करेगी सारे बैंक के डिपॉजिटर से, ये भी बेबुनियाद झूठ निकला। आजकल राफेल डील की चर्चा चल रही है, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी बोफोर्स से लेकर देश के सारे वेपन सिस्टम की खरीदगी में भ्रष्टाचार तक आकंठ डूबी है, वो देश के हित में किए गए एक बहुत बड़े राफेल डील पर सवाल उठाती है। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी राफेल डील एग्जीक्यूट नहीं कर सकी, और हमारी कैबिनेट की कलीग निर्मला सीतारमन ने इसको विस्तार से बताया है, मैं इसको एलैबोरेट नहीं करूंगा, कि द एनडीए गवर्नमेंट अंडर मोदी जी हैज गॉट द बेस्ट डील पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ वेपन सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस, ये आप सभी जानते हैं। डोकलाम के बारे में तो मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है, राहुल गांधी चाइना के एम्बेसडर से भी मिलने चले गए और कहा कि भारत की सेनाओं का मनोबल समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, और डोकलाम में हमारे मोदी जी के नेतृत्व और सेना के संयम की दुनिया ने प्रशंसा की, आपको मालूम है। मित्रों, कांग्रेस की परेशानी है, वो तो परेशानी क्या है कि वो अपने 10 साल के शासनकाल में इतनी लैंडमाइन बिछा कर गए हैं जो कभी ना कभी फूट जाता है, और जब फूटता है तो हमसे सवाल पूछते हैं। अब इसका टेक्स्ट बुक केस है पंजाब के मुख्यमंत्री के दामाद श्री का, अब ट्वीट कर दिया उन्होंने ये अनदर स्कैम। जब मालूम हुआ, मैंने भी मालूम किया, क्योंकि गाहे बगाहे आप भी मुझे सवाल पूछेंगे, तो लोन कब दिया गया था, 11 में दिया गया था, किसानों के नाम पर दिया गया था, उसको शुगर फैक्ट्री ने अपने नाम पर कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी इतने लैंडमाइन बिछा कर गई है तो गाय बगाय फूट जाता है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में मेरी एक टिप्पणी है, वो होमवर्क नहीं करते और आज भी नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े पद पर बैठने के बाद उनकी टीम थोड़ा होमवर्क करना शुरू करेगी ट्वीट वगैरह करने के पहले। अगर उनको दिक्कत है तो देश के आईटी मंत्री से सहयोग मांग लें, मैं कुछ सहयोग कर दूंगा, उनको अच्छी टीम की ट्रेनिंग कर दूंगा। लेकिन क्या मतलब है कि जिसमें उनके मुख्यमंत्री के दामाद फंस रहे हैं, जिसका पूरा लोन 2011 में दिया गया, उस पर सवाल हमसे पूछ रहे हैं। मित्रों, मुझे आपको
दो बातें इसमें और कहनी है। मैं एक कांग्रेस का जो भय और भ्रम का पूरा ये जो प्रयोजन है, आपने देखा नोटबंदी में क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। नोटबंदी पर बहुत चर्चा हुई और कांग्रेस बहुत पिटी है हर चुनाव में, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। एक बात जरूर कहूंगा कि एक दिन एक लाइन में एक वृद्ध व्यक्ति कुछ आंसू से हो गया था तो राहुल जी ने ट्वीट कर दिया कि देखिए वृद्ध व्यक्ति इतना थक गया है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं नोटबंदी में। जबकि बाद में उसने पब्लिकली कहा, आप लोग के कैमरे पर कहा कि मेरा पैर दब गया था मेरी पीछे की महिला से, तो मैं आंख में आंसू आ गया था। अब ये भी नहीं समझते हैं। और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था उन्होंने। मेरा स्पष्ट आरोप है कांग्रेस पार्टी सुधार विरोधी है। बीजेपी's स्पेसिफिक चार्ज इज दैट कांग्रेस पार्टी इज एंटी रिफॉर्म, क्योंकि जब सुधार होगा तो देश में पारदर्शिता आएगी, देश में जवाबदारी आएगी। व्हेनेवर देयर इज रिफॉर्म देयर इज ट्रांसपेरेंसी एंड देयर इज अकाउंटेबिलिटी। आज मैं बताऊं कि आज हमने एक उमंग ऐप लॉन्च किया है मेरे विभाग ने, आप उसको डाउनलोड करिए। हम 1200 सेवाएं देश की देने वाले हैं, 185 सेवाएं भारत सरकार की एट ए क्लिक ऑफ ए बटन है और लगभग 40 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया उसको। इट इज ऑल ट्रांसपेरेंट। कल मैं गया था कोचिन में, तो जो क्रिश्चियन मिशनरी की मैगजीन दीपिका है उसके एनुअल फंक्शन मुझे बुलाया गया था। अब मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि दीपिका की ऑनलाइन मैगजीन दुनिया के 125 देशों में करोड़ों लोग पढ़ते हैं, दैट इज ऑनलाइन। तो ऑनलाइन से, टेक्नोलॉजी से, रिफॉर्म से कांग्रेस को परेशानी होती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी भ्रम और भय फैलाती है। डरो, मोदी जी आ रहे हैं, डरो। और न होमवर्क करते हैं न सच्चाई को बताते हैं। आज हमें लगा कि देश के सामने इस बात को बताना बहुत जरूरी है। 80-20 रूल पर सीएजी की रिपोर्ट भी है, वो पीएससी के सामने एग्जामिन भी हो रहा है, इसलिए मैंने उस पर कुछ नहीं कहा, वो एक वहां के विस्तार की बात है। लेकिन आज के दिन बीजेपी पूरे देश में कांग्रेस के इस भय और भ्रम फैलाने के षड्यंत्र को एक्सपोज करेगी। हम उम्मीद करते थे, जरा देखिए यार, कांग्रेस पार्टी यूपी में हारी, हरियाणा में हारी, झारखंड में हारी, कश्मीर में हारी, यूपी में तो सफाया हो गया, बिहार में लालू जी किए, पीछे पीछे के चलकर कुछ प्राप्त किए, अब उनका अपना किला ही ढह रहा है, आप रोज देख रहे हैं वहां पर। हम उम्मीद करते थे कि नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की पकड़ रही है। अब कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में जीरो और नागालैंड में जीरो। लेकिन नागालैंड अपने आप में एक बहुत क्लासिक टेक्टोनिक शिफ्ट है इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। बीजेपी ने 20 उम्मीदवार उतारे, 12 जीते और हमें 15% वोट मिला है, एक ऐसे प्रदेश में जहां 88% क्रिश्चियन है। दिस इज अ न्यू फेज ऑफ कंट्रीज पॉलिटिक्स, कि सबका साथ सबका विकास की बात मोदी जी के आह्वान को दुनिया समझ रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने यहां पर शून्य से शिखर की बात कही थी बीजेपी के बारे में, लेकिन शिखर से शून्य भी हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी का हाल है। फिर भी अहंकार कितना है कि देश में वही चलेगा जो हम कहेंगे, देश में वही बात सुनी जाएगी जो भ्रम हम फैलाएंगे, और देश में वही खौफ होगा जो भय का माहौल हम बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाए, बीजेपी एक्सपोज करेगी। कांग्रेस पार्टी भय बनाए, बीजेपी देश में उत्साह पैदा करेगी, जनता हमारे साथ है। तो मुझे लगा कि आपके सामने विस्तार से मैं रख दूं। तो फिर जस्ट टू कॉन्क्रीटाइज, एक बार मैंने अपने सारे पॉइंट को कॉन्क्रीटाइज कर दूं, फिर आपके सवाल दूंगा कि नॉर्थ ईस्ट में
भ्रम और भय फैलाने की उनकी रणनीति और राजनीति असफल हुई, लेकिन अभी तक भ्रम और भय फैलाना उनका बंद नहीं हुआ है। लोकतंत्र से सबक तो नहीं सीखा। मैंने आपको बताया कि एनपीए की स्थिति क्या हुई है कांग्रेस के समय में, कहां ये 36% स्ट्रेस्ड एसेट 82% हो गया, और बीजेपी के समय का एक भी लोन स्ट्रेस नहीं बना है, एनपीए नहीं बना है। हमने 80-20 की बात की, अगस्त 13 में आया, नवंबर 14 में हमने समाप्त किया, और श्रीमान चिदंबरम साहब ने रिजल्ट निकलने के दिन भी आदेश पारित कर 7 कंपनियों को बेनिफिट देने का काम किया। क्यों किया ये हमने पूछा है। उसके बाद हमने फाइनेंशियल रेजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल की बात की, क्या झूठ कांग्रेस फैला रही है। हमने बैंक कन्वीनियंस चार्ज की बात की, क्या कांग्रेस झूठ फैला रही है। हमने 13 डिजिट मोबाइल की बात की, क्या झूठ कांग्रेस फैला रही है। और फिर हमने राफेल डील और हमने बाकी सारे बातों को, आपके जीएसटी और नोटबंदी का विषय आपके सामने उठाया। और आज हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि एक भी भ्रष्ट को छोड़ा नहीं जाएगा। वी वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, जो हमने पहले दिन ही कहा था कि किसी का कद और किसी का पद कुछ भी हो, किसी दबाव में आए बिना और किसी पूर्वाग्रह के बिना किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं रोज कार्रवाई हो रही है। बस मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। नाउ ओपन टू क्वेश्चन। एक मिनट, No, I would like to put it in a larger perspective. I think Goa also has a very substantial Christian population. The BJP is there, third time in power there. Nagaland, we have been important player there also. But what is important is, in spite of very vicious campaign against the BJP among the Christian minority, BJP has struck 12 out of 20, it fought getting 15% of vote. और अगर इसको आप जोड़े तो पूरा लड़े तो 45% वोट आता है। अगली बारी केरला की है, बिल्कुल क्यों नहीं है। रेजोनेंस के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वहां रेजोनेंस शुरू हो गया है। कल मैं कोचिंग गया था, सारे मुझे पत्रकार यही पूछ रहे थे। लेकिन आज के दिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, देश के वामपंथी विचारधारा से प्रभावित बड़े बुद्धिजीवी दिल्ली में बड़े बड़े वक्तव्य देते हैं। त्रिपुरा पर बहुत खमाश है, क्या बात है, उनकी टिप्पणी में खोज रहा हूं कि वर्ग सर्वहारा, वर्ग संघर्ष, धर्मनिरपेक्षता, जेएनयू से वो जमात शुरू होती है, उनकी खामोशी भी अपने आप में बहुत सवाल पैदा करती है। यस सर, बेटे कार्तिक चिदम्बरम को आपने जेल में भेज दिया है, लेकिन अभी नए दामाद के बारे में जा चुका है, दो दामाद बाहर घूम रहे हैं, और आपने कहा कि 16 मई को 7 प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिया गया 80/20 के तहत, तो ये खुलासा जो है ये तथ्य अभी सामने आए हैं या ये पहले थे, पहले इस पर? देखिए, आज हमने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा है, समझ गए। जहां तक इसके बाकी इम्प्लीकेशन की बात है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को करना है तो वो करें, मुझे कुछ नहीं कहना उस पर। लेकिन चिदम्बरम साहब जुमला जुमला बहुत कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा आपसे, राहुल गांधी जवाब दे सका। निश्चित नहीं हो तो देता हूं, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों दे देता हूं। देखिए, लोकतंत्र में हर को अपने लिए कोशिश करने का अधिकार है, तो हम किसी की कोशिश पर तो रोकने वाले होते नहीं। कोशिश कितनी सफल होगी है देश की जनता तय करती है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, कल मैंने मायावती जी का स्टेटमेंट देखा है, ये मुझे हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा अजूबा स्टेटमेंट लगा कि अगर आप मुझे मध्य प्रदेश में वोट देंगे राज्यसभा में
तो उसको हम यहां रेसिप्रोकेट करेंगे, हमारा कोई अलायंस नहीं है। अब इस तरह की बात भारत की राजनीति में कम सुनी गई है। मैं इतना ही कहूंगा कि 1995 में बसपा और सपा के रिश्तों की कड़वाहट का एक बहुत बड़ा अंजाम रहा है। आज 2018 है, 2018 का भारत बहुत बदल गया है। और कुछ लोग ये सोचते हैं इधर का कुनबा, उधर से फोड़ा, उधर से जोड़ा, उससे देश बन जाएगा, शायद देश बहुत आगे निकल गया है। मेरा बहुत सिंपल जवाब यह है कि हमारे साथ जमात छोटी है क्या? बीजेपी के साथ खुद ही करीबन 23-24 पार्टियों की जमात है, आप देख रहे हैं। और सबसे तो यूनिक बात यह है कि नागालैंड में दोनों चाहते हैं कि हमारे सरकार बनाए, तो ये तो हमारी विश्वसनीयता है, हमारी प्रामाणिकता है। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तो ये जो है ये तो बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और बीजेपी की क्षमता। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, विल यू काइंडली हैव पेशेंस, अ लिटिल पेशेंस प्लीज। देखिए मैं एक बात, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मैं सबके उत्तर दूंगा। एक बात आप समझे, बीजेपी के साथ कितनी बड़ी जमात है, राष्ट्रीय पार्टियों की और रीजनल पार्टी, आप भी देख रहे हैं, और छोटी पार्टियां और हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। अभी आपने देखा, क्योंकि ये पब्लिक स्टेटमेंट है कि नागालैंड की दोनों पार्टियां जाती हैं कि हमारे साथ में आए। जितना हम अपने सहयोगियों को सम्मान देते हैं, जितना हम उनके संवेदनशीलता की चिंता करते हैं, और जितना विकास में बिना भेदभाव के हम सपोर्ट करते हैं, ये उसका कारण है। बीजेपी इज अर्निंग इंक्रीजिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ स्मॉलर पार्टीज ऑल्सो फॉर टू ऑब्वियस रीजंस। वी आर वेरी सेंसिटिव टू देयर कंसर्न्स, वी आर एकोमोडेटिव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी कीनली सपोर्ट देयर क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट विदाउट एनी प्रेजुडिस। ये कारण है ना, ताकि हमारा विस्तार हो रहा है और ये होता रहेगा। अब बाकी लोकतंत्र में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। यस, अब बताइए आप। आई थिंक आई टॉक टू माई एलाइज डायरेक्टली, आई नीड नॉट यूज अ प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू टॉक टू माई एलाइज, आवर एलाइज। देखिए कार्तिक चिदम्बरम जेल में गिरफ्तार है, और कार्तिक चिदम्बरम से जेल से निकलते हुए टिप्पणी पर देश का कानून मंत्री टिप्पणी करे, ये बिल्कुल अनुचित होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक एक अब जहां तक मैं किसी का नाम लिए बगैर नहीं कहना चाहूंगा कि हमारे वामपंथी मित्र, मैंने सीताराम येचुरी का भी देखा था, धनबल की बात करके क्या वो पूरे नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के मतदाताओं का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? इट इज अ डाउन राइट इंसल्ट टू द विजडम, कॉन्फिडेंस एंड डिजायर फॉर चेंज ऑफ ऑर्डिनरी वोटर्स, इंक्लूडिंग ट्राइबल वोटर्स ऑफ त्रिपुरा। तो क्या हम मान के चले कि इसी प्रकार से उनको दबा रखा था उन्होंने पिछले 25 साल से? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। I am not a political scientist to sit in judgment over a federal front or a unitary front. India is a democracy. There can be fronts, super fronts, sub fronts, more fronts. But I think the country has traveled much beyond. Yes, anyone? आज तो कांग्रेस को बहुत जवाब देना है। हाँ, एक ऐसा है कि हमारा काम बोलता है। जिस दिन से घटना सामने में आई है, हमने कितनी सख्त कार्रवाई की ये बता रहे हैं। हम सिर्फ मनमोहन सिंह की तरह संसद में जवाब नहीं देते हैं, काम करके दिखाते हैं। और आपको याद होगा कि
जब मैंने फर्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, कि गीतांजलि और चौकसी की कंपनियों को 12-13 में सबसे अधिक मुनाफा हुआ था, याद है ना आपको, उसमें किसकी सरकार थी। और ये जतिन मेहता जी जो पैसे लेकर भागे हैं, ये कौन है? जतिन मेहता के बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहते हैं। इनके भी प्रश्रयदाता पिछली सरकार में बहुत लोग रहे हैं, तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। एक शेर है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, और देश के लोग बेवजह राहुल गांधी की उदासी का सबब भी पूछेंगे। सुजीत ठाकुर, आप भी पूछेंगे, इतने दिन के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, कैसे हैं आप बताइए। मैंने क्या कहा, मुझे अपने दोनों दोस्तों से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, हमारी बातचीत होती है। हमने आपके सुझाव को नोट किया। आप एक मिनट, एक मिनट। As you raise the issue of NDAs, you said it also accepts the list of various NDAs and huge amounts of loans of given to various companies before 2014 and crores of rupees that were given, so still that money has not come back into the banking system. This is what our investigation has revealed, sir. How do you say this, sir? My government is upfront. As we said, we revisited the whole nature of NPAs, and it was not the quantum of stressed asset was not 36%, but 2%. It only shows our keenness to pursue it, and the banking system will pursue it. That's all. Yes, sir. You said you will not comment on GDP and Shiv Sena in a press conference. But the way they are protesting inside and outside the parliament, do you have something to say on that protest? I think, as far as the issue of Andhra Pradesh is concerned, Arun Jaitley ji publicly in the House itself clarified that there is a proper architecture in the Reorganization Act, and whatever is required shall be done, and a lot of things have been done. I know for sure in my IT ministry, many initiatives have been taken for the state of Andhra Pradesh. If something more is required, surely the government is with his other open mind. Navkant. Haan, sir. Majumdar ji. Navkant. Sorry. Sir, देखिए, मैं रिजर्व बैंक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सिवाय आपको इस बात का स्मरण दिलाने में कि माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने एक बार रेगुलेटर्स की भूमिका के बारे में चर्चा की थी, नहीं पर्याप्त है। मजुमदार जी, लास्ट सवाल हो गया, दैट्स ऑल। कोई और बताइए। अब इस पर मैं तथ्यों को मालूम करूंगा, आप बताइए जल्दी, लास्ट लास्ट। I don't, as regards your second question, I don't sit in judgment over the leadership quality of Rahul Gandhi. That is for the people of India to decide. But regard the third front, this illusory and elusive concept of third front is not a new phenomenon. I remember it started way back from 89 itself, and we have seen the days of VP Singh to Mr. Gowda, to Mr. Gujral, and the whole range is there. And from there, the polity of India changed completely. Natal Bihari Vajpayee came. Now, my Prime Minister has come. So therefore, I always say, India's polity has traveled much beyond the murky waters of Third Front. Thank you. हाँ, एक आपको जानकारी मुझे खाली बतानी थी, ये जो जतिन मेहता नाम के सज्जन हैं, ये 2012 में भागे थे, और हमारी सरकार के आने के पहले सीबीआई ने इनकी फाइल भी बंद कर दी थी, तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। थैंक यू। चलिए,
करो।